हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में इस फोल्डेबल ड्रोन को ओपन करेंगे और इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कौन सा मोटर लगा है और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये अभी भी वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो इस ड्रोन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। इस ड्रोन को ओपन करने से पहले सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देंगे और इसका हम बैटरी निकाल देंगे। यदि आप भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ओपन करते हो तो सबसे पहले उसका पावर सप्लाई हटा दो, ऑफ करके उसका पावर सप्लाई हटा दो, नहीं तो कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसका कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले उसका पावर सप्लाई हटा देना है। उसके बाद हम इसके हर एक स्क्रू को ओपन कर देंगे। अब हम इस ड्रोन के हर एक स्क्रू को ओपन कर देंगे तभी ये खुलेगा। और यदि आप भी इस ड्रोन पर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस ड्रोन के पीछे लगभग टोटल 8 स्क्रू है और ये सारा स्क्रू अभी ओपन हो चुका है लगभग, तो चलिए अब हम इसे धीरे से ओपन करते हैं। अब इस ड्रोन को हम पहली बार ओपन कर रहे हैं तो इसका जो कवर है उसे हम धीरे से निकालेंगे, क्योंकि स्क्रू को हटाने के बाद भी इसमें कुछ लॉक रहता है तो वो लॉक भी टूट सकता है। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर का कवर है और फिर ये आगे का पार्ट है जिसमें दो बल्ब लगा हुआ है। ड्रोन के आगे के साइड में जो दो LED बल्ब था व्हाइट कलर का, वही वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये पिन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बीच में आप देख सकते हो ये एक सर्किट है, इसे एक पतला वायर है और इसके पीछे में भी एक पतला वायर है व्हाइट कलर का। ये दोनों वाईफाई के सिग्नल को ज़्यादा करने के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। और सर्किट के आप सेंटर में देख सकते हो एक स्विच है जो कि इसके मेन बोर्ड को ऑन और ऑफ करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चार जो मोटर लगा हुआ है वो इस तरीका से लगा हुआ है, इसे हम आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये सारा जो मोटर है, मोटर का जो वायर है, ये पिन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हो और लगा सकते हो। इसमें सोल्डिंग नहीं किया हुआ है, पिन दिया हुआ है सभी जगह, इसे आप आसानी से निकाल सकते हो और लगा भी सकते हो। ये देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसका चारों मोटर का वायर निकल गया है, उस मोटर को खोल के आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं इसका हर एक सर्किट को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चारों पिन है, टोटल 5 पिन है, एक बल्ब का और 4 मोटर का है, और बीच इसके ठीक सेंटर में मेन स्विच है इसके ड्रोन को ऑन और ऑफ करने के लिए। और रेड कलर का जो आप बल्ब देख रहे हो ये पीछे का बल्ब है, जब इसे ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलता है। ये आप देख सकते हो इसका जो सर्किट है वो बाहर हो चुका है। और यहाँ पे 3 पिन आपको दिख रहा होगा, एक यहीं पे बैटरी लगता है और इससे 3 वायर अंदर की तरफ गया है। ये जो वायर है इसके कैमरा के सर्किट में जुड़ा हुआ है, तो चलिए उसे भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कैमरा का सर्किट जो है इसके अंदर है, तो कैमरा का सर्किट को निकालने के लिए हमें ये जो प्लास्टिक का कवर देख रहे हो जिसमें 4 होल है, इसे हमें पहले निकालना होगा। इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है, इसे हम पहले निकाल देंगे और निकालने के बाद तब इसके अंदर नीचे में कैमरा का सर्किट रखा हुआ है, ये निकल चुका है आप देख सकते हो। इसे हमें इसके हर एक पार्ट्स को हमें धीरे से निकालना है, क्योंकि यदि इसमें लॉक लगा रहेगा और आप कस के झिकोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए हमें इसके हर एक पार्ट्स को धीरे से निकालना है। ये शायद यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, अब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। जब ये लॉक इसे छूटेगा तो ये आसानी से इसमें से निकल जाएगा। उसके बाद मैं कैमरा के सर्किट को भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका किस तरीका से कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो कैमरा का कंपार्टमेंट है ये पूरा बाहर निकल गया है इसका, और इसके अंदर 2 कैमरा है। चलिए मैं आपको इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेन सर्किट है और ये कैमरा का सर्किट है इसके अंदर, इसे ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी टोटल 6 स्क्रू है, इसे भी हम ओपन कर देंगे तभी ये ओपन होगा। ये जो कैमरा का कंपार्टमेंट आप देख रहे हो, इसका टोटल स्क्रू ओपन करने के बाद ही इसका जो कैमरा का सर्किट है वो बाहर आएगा, तो इसे हम जल्दी से इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो सर्किट है वो कितना बड़ा है और ये कैसे काम करता है। इसका स्क्रू जो है लगभग ओपन हो चुका है सारा स्क्रू आप देख सकते हो, और इसके यहाँ पर जो है छोटा सा सर्किट है और यहाँ पर 2 कैमरा है, एक आगे की तरफ कैमरा है और इसके एक नीचे की तरफ कैमरा है। आगे का जो कैमरा है वो थोड़ा सा बड़ा है और नीचे की तरफ जो कैमरा है वो थोड़ा सा छोटा है। और इसके अंदर 3 वायर लगा हुआ है जो कि इसके मेन सर्किट में जाकर लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक काला सा है लंबा सा, ये ड्रोन जब मोबाइल से कनेक्ट होता है तो ये वाईफाई के द्वारा होता है, तो वाईफाई के सिग्नल को ज़्यादा करने के लिए बढ़ाने के लिए ये लगाया गया है। अब हम इसके एक ड्रोन में जो मोटर होता है उसका जो कंपार्टमेंट है उसे भी हम ओपन करके हम देखते हैं। इसके अंदर टोटल 4 स्क्रू है इसके पीछे, इसे भी हम पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर का जो मोटर है वो कितना बड़ा है। शायद इसके अंदर में जो मोटर है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, इसीलिए इसके अंदर शायद लगता है मोटर बहुत ही छोटा है।
यहाँ पर जो मोटर लगाया गया है हॉरिजेंटल मोड में लगाया है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो बहुत ही कम था, इसलिए यहाँ पर मोटर हॉरिजेंटल मोड में लगाया गया है ताकि ये आसानी से फिट हो जाए। आप यहाँ पर आप देखो मोटर में भी एक गियर लगा हुआ है और इसके नीचे में भी एक गियर है, यानी कि टोटल दो गियर है, और गियर लगाने के कारण इसका जो स्पीड है प्रोपेलर का स्पीड वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मोटर का जो शाफ्ट का स्पीड है और प्रोपेलर का स्पीड है वो दोनों सेम स्पीड में नहीं रोटेट करता है। गियर लगाने के कारण इसका जो प्रोपेलर है उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हर एक छोटा ड्रोन में गियर का यूज़ किया जाता है। अब हम इसके हर एक पार्ट्स को यहाँ पर ला देते हैं और इसके हर एक पार्ट्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ इसमें कितना पार्ट्स लगा है और कौन कौन सा पार्ट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा पार्ट्स यहाँ पर हम ला दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये मोटर का पार्ट है जो कि ये ओपन है, दूसरा मोटर का पार्ट यहाँ पर है, तीसरा इस साइड में है और चौथा यहाँ पे इस साइड में है, और ये सबसे नीचे का कवर है, ये सर्किट है, ये ऊपर का कवर है, ये कैमरा कंपार्टमेंट है, और ये इतना ही सारा सर्किट है आप देख सकते हो।